This call is now being recorded. दो का क्यूब क्या होता है बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक का क्यूब, देखो तो कुछ समझ में आया? रूपा आपको समझ में आया? रूपा आप क्लास में नहीं है क्या? कौन कौन क्लास में है अभी? शिवम, खुशबू, सिर्फ दो लोग हैं। चलिए आप दोनों बताइए, कुछ समझ में आया क्या? फाइव का क्यूब में से वन घटा दीजिए, कितना होगा? पांच का क्यूब किए आप? बताइए फाइव का क्यूब। 125 होता है क्या? इसमें से वन घटा दीजिए, 124 हो जाएगा ना? यस सर, यस सर, ये तो सही है ना? यस सर। अब फोर का क्यूब कीजिए, फोर 63, ये भी सही है ना? करके देखिए, यस सर, कुछ चेक करके देखिए आप लोग। कौन सा गलत आ रहा है? 124। कौन सा गलत आ रहा है? 1³ - 1 कितना होता है? 1³ - 1 कीजिए। 1 का क्यूब होता है 1 × 1 × 1, कितना आ रहा है बताइए? सर जीरो, जीरो आ रहा है क्या? ये सही है, टिक करते हैं। चलिए अगला चेक कीजिए, बताइए सही है कि नहीं? सर 7 गलत है। 2³ - 1, 2³ क्या होता है? 2 × 2 × 2 माइनस 1, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 - 1 = 7। सही है सर, चेक कीजिए। 25 सर, हाँ 25 गलत है। और देख लीजिए, 63 सही है कि गलत है, चेक कीजिए। ये वाला सर सही है, चलिए 63 सही है। 124 सही है गलत है? सर सही है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए कॉपी में, ये एग्जाम में आ सकता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोगों को? सर बहुत अच्छा, दिमाग में रहेगा ना एग्जाम के समय? यस सर। अब ये वाला बनाएंगे क्या आप? ये वाला बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ट्राई कीजिए। ये स्क्वायर वाला प्रिंसिपल पे है, स्क्वायर से बनेगा ये। नहीं, ये स्क्वायर से भी नहीं बनेगा, इसमें कुछ और ही ट्रिक है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट भी है ये। इसको आसान बनाना है। क्या होगा, कुछ आ रहा है दिमाग में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार है।
सोचिए आप लोग क्या हो सकता है। थ्री का स्क्वायर, देखिए कुछ ऐसा ट्रिक है बच्चे, थ्री का स्क्वायर, फोर का क्यूब, फाइव पे पावर फोर, ठीक है, फिर टू पर पावर वन, फिर वन पे पावर जीरो। कुछ समझ में आया क्या आपको? वन पे पावर जीरो करना है। वन पे पावर जीरो कितना होता है? हेलो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। 1, 2, 9, 64, 5, 25। देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहली संख्या क्या होती है? वन होती है सर। शिवम, वन के बाद कौन सा संख्या होता है? टू। और वन से पहले? जीरो। ठीक है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री, थ्री के बाद फोर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना? ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, पांच से पहले कौन सी संख्या होती है? चार। यहां पावर लगा देंगे उसका। चार से पहले? तीन। यहां पावर लगा दीजिए। तीन से पहले? दो। दो, दो से पहले? वन। एक से पहले? जीरो। कौन बता रहा था? खुशबू। शिवम, शिवम कैलकुलेट कीजिए इसको, बताइए वन पे पावर जीरो क्या होगा? सर किसी भी चीज पे पावर जीरो वन होता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का पावर क्या होता है? किसी भी चीज का जीरो पावर वन होता है, लेकिन जीरो पे पावर जीरो वन नहीं होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना? ओके सर। टू पे पावर जीरो क्या होगा बोलो? क्या सर? थ्री पे पावर जीरो? ओ वन आएगा, याद रखना है इसको। टू थ्री, याद करें। यहाँ पे क्या लिख दे? वन। यहाँ बताइए। यस सर। अगला बताइए क्या आ रहा है? ये तो सही है, अगला बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग पार्टिसिपेट करो भाई, सब लोग पार्टिसिपेट, जल्दी जल्दी छुट्टी कर देंगे फटाफट। चलो चलो, कौन बताएगा? टू पर पावर वन बताओ बच्चे, टू होगा ना? दो एक बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं दो। चलो ये वाला बताओ, ये सही है? नौ सही है क्या? कैलकुलेट करो इसको,
जल्दी जल्दी करो बच्चों, छुट्टी कर देंगे, जल्दी करो। तीन 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 छह तीन। यस सर, राइट है। 3 स्क्वायर होता है 3 × 3। चलो सही है, 9 हो गया। ये करो सर, सही है 64। तब तो यही गलत होना चाहिए। लेकिन ये बताओ कितना होगा? गुना करो, 5 को 4 बार गुना करो। छह सौ शिवम पच्चीस 625। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। 3 स्टार क्वेश्चन। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे इसमें से। लिखिए, लिखो बच्चों, 2 3 5 7। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। यस सर। इसमें से क्या गलत संख्या को चुनना है बच्चे, ध्यान रखना, गलत संख्या को चुनेंगे। ओके सर। और कल आपसे बनवाया जाएगा, आपका स्क्रीन शेयर कराएंगे। करोगे ना स्क्रीन शेयर? आज प्रैक्टिस कर लेना इसको। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? बढ़िया लगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो NMMS का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग। नहीं पता तो लिख लीजिए, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। सर मींस के बाद दोबारा एम का मतलब? मेरिट, MERIT, मेरिट मतलब पता है ना, आप अच्छा नंबर लाते हो तो आपका अच्छा मेरिट होता है। मेरिट मतलब गुण। क्या होता है मेरिट का मतलब? गुण, गुण, गुण। हाँ गुण, आप में गुण रहेगा तभी आपका अच्छा मेरिट होगा। यस सर। तभी आप अच्छा नंबर भी लाओगे। ठीक है, तो बच्चों अपने दोस्तों को भी जोड़ो जो तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है। सर ये मैं ग्रुप भेजा था, मैं अपने स्कूल वाले ग्रुप में भेज सकती हूँ उनको, बोल दो ऐड होने के लिए। हाँ आप भेज सकते हो उनको, पर बताना कि सीरियस पढ़ाई करना होगा, है ना? हाँ ओके सर। हाँ जो सीरियस बच्चे उन्हीं को देना, जो एग्जाम निकालेंगे, जो पढ़ाई करते हैं घर में एटलीस्ट 2 घंटा भी। ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खूब पढ़िए और खूब तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर दे दिया आपको मैंने, 2018 का क्वेश्चन पेपर दे दिया है, ठीक है ना? उसको बनाइए, मिलेंगे कल। कल होगा आपका क्लास, कल एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है ना? कल सैटरडे है ना? यस सर। एक्स्ट्रा क्लास होगा कल। टाइम क्या है? 9 to 10। अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा जो इंटरेस्टेड है। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति सर।
हैप्पी मकर संक्रांति, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय, फिर मिलते हैं।